से थी कि मैनेजमेंट की तरफ से ऐसे मेम्बरान जो कि कंटिन्यूसली इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट जा रहे हैं उनके ऊपर अब इतनी सख्ती क्यों शुरू कर दी गई है, इसके पीछे क्या वजूहात है, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आमना अली और आप मुझे देख रहे हैं पाएज उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। ब्लू वर्ल्ड सिटी के रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं, चाहे वो आपकी इंस्टॉलमेंट्स के हवाले से हों, चाहे उस पर कोई डिस्काउंट ऑफर्स लग रही हों, या फिर आप लोगों के लिए कोई वार्निंग्स आ रही हों, मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्द अज जल्द वीडियो बना के आप लोगों को उसके हवाले से आगाह कर दूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपसे मिस ना हो। आज की इस वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो कि डिफ़ॉल्टर्स के लिस्ट में आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं ये बात कहूँगी, पिछले भी मैंने 2-3 वीडियोस बनाई और उसमें भी मैंने इसके हवाले से आप लोगों को जो है वो बताया कि आप लोग इस चीज़ के बारे में देखें और इसको सीरियसली लें। अच्छा, मैनेजमेंट ने कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी हुई है इंस्टॉलमेंट्स को लेकर के, जो लोग पेंडिंग जा रही हैं उनकी कंटिन्यूसली, उनको जो है वो बहुत सख्ती की जा रही है अब उनके ऊपर कि पहले जो है वो अभी मैंने रिसेंटली ही इसके ऊपर 3-4 वीडियोस बनाई हैं क्योंकि ये चेंज हुई हैं चीज़ें इसमें। पहले जो है वो आप लोगों को ये मैसेजेस आए कि जिनकी जो है मैंने पिछली 2 इंस्टॉलमेंट्स भी अगर आपकी पेंडिंग चल रही हैं तो आपको जो है कैंसिलेशन लिस्ट में डाल दिया जाएगा। और अगर जो है, अच्छा यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि कैंसिलेशन से क्या मुराद है। कैंसिलेशन से मुराद ये नहीं है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन करवाई थी, डाउन पेमेंट दी थी या कुछ हद तक जो आपने इंस्टॉलमेंट पे की हुई हैं वो आपकी पैसे जो हैं आपके ज़ाया हो जाएंगे या वो इस तरह की कोई चीज़ हो जाएगी। कैंसिलेशन से मुराद नए पेमेंट प्लान के ऊपर आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा, जो रजिस्ट्रेशन आपने पुराने रेट पर करवाई थी उसको नए रेट के ऊपर मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो ये भी अच्छा खासा ठीक ठाक नुकसान है कि अगर किसी ने 7 लाख में प्लॉट बुक करवाया हुआ है और जी वो कंटिन्यूसली अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर रहा तो फिर उसका जो वो पेमेंट प्लान है वो 14 लाख जो इस वक्त चल रहा है, 14-15 लाख उस पर शिफ्ट हो जाए तो फिर ये डबल नुकसान आप लोग जो है उस पर चले जाएंगे। फिर उसके बाद आपको ये जो 2 इंस्टॉलमेंट की वार्निंग दी जा रही थी इस पर हम लोगों ने बात की मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट, तो इसको 6 माह पर कर दिया गया कि अगर पिछली आप लोगों ने 6 महीने से जो डिफॉल्टर्स चले आ रहे हैं जी उनको हम इस लिस्ट में डाल देंगे। लेकिन अभी फिर जो है वो मैनेजमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी गई है और जो मार्जिन दिया जा रहा है वो सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट का भी नहीं दिया जा रहा कि जी अगर आप लोगों की 2 इंस्टॉलमेंट भी पेंडिंग आ रही हैं, लास्ट 2 इंस्टॉलमेंट भी अगर आपकी पेंडिंग आ रही हैं तो आप लोगों के लिए ये जी आपको अलर्ट होना हो जाना चाहिए, अपने पेंडिंग ड्यूज़ क्लियर कर लेने चाहिए क्योंकि फिर आप लोग जो हैं उसी लिस्ट में हैं जो कि डिफॉल्टर्स वाली लिस्ट है। और ये डिफॉल्टर्स सोसाइटी ने तो सिर्फ ये 2 माह का जिक्र किया है लेकिन आप बिलीव करें कि हमारे पास ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इतनी पुरानी बुकिंग्स करवाई हुई हैं 2018-19 में और सिर्फ डाउन पेमेंट पे की हुई है या 2-3 इंस्टॉलमेंट्स पे की हुई हैं और उसके बाद उन्होंने कुछ भी पे नहीं किया हुआ, साल साल 2-2 साल के डिफॉल्टर्स चले आ रहे हैं और उनको जो है कोई पता नहीं है कि हम अपनी इंस्टॉलमेंट पे कर लें क्योंकि वो सीरियसली नहीं ले रहे, अपने प्रोजेक्ट को भी नहीं ले रहे, अपनी इन्वेस्टमेंट को भी नहीं ले रहे और फिर वही लोग हैं जो इस वक्त नुकसान उठा रहे हैं। उसके साथ अगर हम बात करें उन लोगों की जो कि फ़ायदा उठा रहे हैं वही लोग हैं जो कि शुरू दिन से कंटिन्यूसली अपनी पेमेंट जो है वो अपनी इंस्टॉलमेंट मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो क्लियर कर रहे हैं। उन्होंने इन्वेस्टमेंट ही इस सेंस से की थी कि हमने महाना अपना 8-10 हज़ार रुपया बचा के अपने प्लॉट की किस्त देनी है और वो इस वक्त लोग जो हैं फ़ायदे में जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने जो डिफॉल्टर्स की लिस्ट में हैं वो नुकसान पर जा रहे हैं। अच्छा, वह अगर मैं बात करूँ कि ये सख्ती क्यों की जा रही है तो आपने रिसेंट 2 वीडियोज़ हमारी देखी होंगी जिसमें एक तो साथ साहब का वॉइस नोट था, दूसरी वीडियो मैंने भी फिर उसके ऊपर बनाई जिसमें ब्रीफली आप लोगों को बताया कि ये जो 2024 का साल है ना ये ब्लू वर्ल्ड सिटी का जो है वो डिलीवरी का ईयर कहा जा रहा है और इसमें साथ आपने बहुत क्लियरली बता दिया है कि इस साल इंशाल्लाह ताला जो है हम लोग 5,000 प्लॉट्स की जो है वो पोजेशंस देने जा रहे हैं। तो जो इस वक्त जो प्रोजेक्ट है वो सेकंड फेज़ में एंटर हो रहा है ताकि आप लोगों को पोजेशंस दिए जाए और प्रोजेक्ट जो है वो आबादकारी की तरफ जाए और इसमें भी आप लोगों का ही फ़ायदा है क्योंकि आप लोगों ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस उठाए हुए थे कि जी ब्लू वर्ल्ड सिटी डेवलपमेंट जो है वो स्लो कर रहा है या फिर जो है वो लोगों को पोजेशन नहीं दिए जा रहे, प्लॉट्स डिलीवर नहीं किए जा रहे ताकि प्लॉट जो प्रोजेक्ट है वो आबादी की तरफ जाए और उसका जो है वो सभी को फ़ायदा हो, चाहे वो कोई एड यूज़र है घर बनाना चाह रहा है या फिर कोई ऐसा बंदा है जो कि अपने प्लॉट को उसने इन्वेस्टमेंट के सेंस से लिया था और वो उसको सेल करना चाह रहा है, तो इसका फ़ायदा सभी को होगा। इसलिए जो है अब मैनेजमेंट की तरफ से इन चीज़ों को लेकर बहुत स्ट्रिक्टनेस कर दी गई है। वरना आप लोगों ने देखा है, मैं आपको बता रही हूँ कि पिछले 2-2, 3-3 साल जो है वो ऐसे लोगों को रिलीफ दिया गया है जो कि आराम से मुतमईन होकर बैठे हुए थे सिर्फ बुकिंग करवा के कि देखी जाएगी पे कर देंगे, अब इस वक्त उनके लिए जो है वो मुश्किल टाइम आ गया है। तो ये आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि अपनी जो अप्स एंड डाउन्स है किसी भी प्रोजेक्ट में आते रहते हैं, आप लोगों के
रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप टाइमली अपनी जो है वो इंस्टॉलमेंट पे करें, ताकि आपको फिर बाद में जो है वो किसी किस्म का नुकसान ना उठाना पड़े। तो ये कुछ डिटेल्स थी इसके हवाले से। अगर आप लोग ज़्यादा ही तकरीबन साल दो साल के डिफॉल्टर्स हैं तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको बताएंगे कि आप डिस्काउंट ऑफर्स के थ्रू भी अपनी ये जो आप लोगों के पेंडिंग अमाउंट है उसको आप क्लियर कर सकते हैं। और जिन लोगों की एक या दो इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है, काइंडली आप लोग भी अपनी इन चीज़ों को क्लियर करें, ताकि किसी भी किस्म की आप लोगों को भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये कुछ डिटेल्स थी जो कि आप लोगों के साथ शेयर की। मज़ीद डिटेल्स लेना चाह रहे हैं, प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं, उसके लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर हमारे सारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।